छतरपुर हिंसा में हुआ बुलडोजर एक्शन, तो क्यों भड़क गई प्रियंका गांधी? मोहन सरकार को भयंकर सुनाया, मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीड़ कोतवाली पर हमला कर देती है, पुलिस कर्मियों की जान लेने की कोशिश की जाती है, कई पुलिस कर्मी इस हमले में घायल भी हो जाते हैं। वहीं अब इस हमले और हंगामे के बाद शुरू होता है मोहन सरकार का एक्शन। न सिर्फ एक्शन शुरू होता है बल्कि आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की जाती है कि पूरे देश में उस पर हंगामा मचना शुरू हो जाता है। जी हां, छतरपुर हिंसा के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी शहजाद अली के 10 करोड़ की अवैध कोठी पर बुलडोजर चला दिया। इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं में उबाल देखने को मिल रहा है, बल्कि विपक्ष भड़का हुआ है और तो और बुलडोजर कार्रवाई का विरोध भी कर रहा है। भीम आर्मी के चीफ ने इस कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर निशाना साधा, बल्कि मोहन सरकार पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। तो अब कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले को लेकर मोहन सरकार को घेरा है, बल्कि कहा है कि देश में बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ये बंद होना चाहिए। दरअसल प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध एवं उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है, ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के मुताबिक कानून बनाने वाले कानून के रखवाले हैं और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राज धर्म नहीं निभा सकता, वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है ना ही देश का। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। आपको बता दें, छतरपुर में हुई बुलडोजर एक्शन के बाद से विपक्ष बौखलाया हुआ है, मोहन सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल छतरपुर में कुछ उपद्रवियों ने थाने पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी शहजाद अली के अवैध कोठी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में उसके घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया, बल्कि कारें जो थी, स्कूटी थी, बाइकें थी, उन्हें भी मिट्टी में मिला दिया गया। इस बुलडोजर कार्रवाई का हर तरफ विरोध होना शुरू हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर मोहन सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी खेद दिया। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस कार्रवाई को सही बता रहे हैं, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई का राजनीतिकरण भी जोर शोर से हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।